आज की कहानी है विश्वास की शक्ति। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि गुरुजी, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि तुम अब यही आश्रम में रहना। रामदास वही रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोला कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, गुरुजी अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, लेकिन प्रभु जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि गुरुजी, मुझे तो प्रभु राम जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को प्रभु राम जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि गुरुजी, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा? मुझे ये भी बता दो, क्योंकि अगर इसका पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से प्रभु राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा गुरुजी, ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक-एक थाली रख दी और बोला, पहले आप सभी खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है इसलिए संकोच कर रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। काफी देर बाद पर्दा खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा। उसे लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए सभी खाना नहीं खा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि जब तक सभी खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि भूख से तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए क्यों ना मैं पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊं। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ और उस बालक को लेकर आओ। बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, रामदास तुम ये क्या कर रहे हो?
रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारा भैया हूं। रामदास कहता है, अब आए हो? जब इतनी देर से मैं बोल रहा था कि खाना खा लो, तब नहीं आए, अब क्यों आ गए? हनुमान जी बोले, पिता श्री का आदेश है, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर प्रभु राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और उनके साथ बैठकर भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, मेरे माँ बाप, चाचा और भाई तो कोई काम नहीं करते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम जी कहते हैं, बेटा बोल क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सब काम भी मैं ही करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या-क्या काम करना है? रामदास ने कहा, अब से माताजी रसोई का काम करेंगी, चाचा जी आप आश्रम की सफाई करेंगे, भैया जी शरीर से मजबूत हैं, वह जंगल से जाकर लकड़ियां लाएंगे, पिताजी आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास बोला, मैंने अकेले बहुत दिन सब काम किया है, इसलिए अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। तीर्थ यात्रा के बाद वे संत जब लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वे बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ है? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा साफ सफाई कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, रामदास ये तुम क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। संत भागकर रसोई में गए, सिर्फ एक झलक देखी कि माता सीता जी भोजन बना रही हैं और प्रभु राम जी पत्तल बना रहे हैं। तभी प्रभु राम और माता सीता गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, रामदास आज तुमने मुझे मेरे प्रभु राम जी के दर्शन करवाए हैं, तुम धन्य हो। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। संत बोले कि रामदास, तुम जैसे भोले वाले और निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।